हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सुपर टेट के लिए हमारी लाइफ स्किल्स यानी जीवन कौशल की कक्षाएं शुरू हो गई है, जिसमें हमारी एक क्लास कल कंप्लीट हो चुकी है। उस क्लास में हमने जाना था कि जीवन कौशल किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा, विशेषताएं, आवश्यकता क्यों पड़ी जीवन कौशल को पढ़ाने की, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, ये सारी चीज़ें हमने कल की क्लास में कवर की थी। तो आज अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, जो आपका लाइफ स्किल्स वाला टॉपिक है, इसको आज ही की क्लास में फिनिश कर देंगे और कल से एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे आपके जीवन कौशल विषय के। तो आज का हमारा टॉपिक है, कौन कौन से ऐसे प्रमुख कौशल है जिनके बारे में WHO ने बताया और जो आपके एग्जाम में जहां से प्रश्न भी पूछा जाता है। तो हर एक चैप्टर को हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे दोस्तों, फुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। साथ ही कुछ बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि मैम पूरे सब्जेक्ट की एक साथ PDF दिए जाए, तो वो आपको सभी क्लासेस के लास्ट में मिलेगी। अगर आप एग्री करते हैं कि हर क्लास के साथ साथ उसकी PDF दी जाए, तो वैसे भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक है आपके कमेंट बॉक्स में। तो चलिए अब बिना किसी देरी किए शुरुआत करते हैं अपनी इस आज की क्लास की। तो दोस्तों, जैसा कि कल की क्लास में हमने जाना था कि जीवन कौशल किसे कहते हैं, एक बार एक लाइन में आप जल्दी से मुझे एक्सप्लेन करके बताएं कि जीवन कौशल किसे कहते हैं। कल अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो आप लोग बता पाएंगे। तो एक लाइन में अगर हम कहना चाहे जीवन कौशल किसे कहते हैं, तो जीवन जीने की कला को ही जीवन कौशल कहते हैं। बिल्कुल, अब हम देखेंगे दोस्तों प्रमुख जीवन कौशल कौन कौन से जीवन कौशल के बारे में WHO ने बताया। तो यहाँ पर इस पेड़ की पत्तियों पर आप लोग देख पाएंगे कुछ प्रमुख जीवन कौशल, जैसे निर्णय लेना, अपना निर्णय स्वयं लेना, ठीक है, तनाव का सामना करना, ऐसा ना हो कि कोई भी कठिन परिस्थिति आने पर हिम्मत हारना, ऐसा ना हो। जीवन कौशल की शिक्षा इसीलिए दी जाती है कि वो उस तनाव का सामना कर पाए, वह व्यक्ति निर्णय ले पाए और सही निर्णय ले पाए, ठीक है, दबाव में आकर या घबरा कर कोई भी गलत डिसीजन ना ले ले, इन सारी चीज़ों से उबारने के लिए ही आपको जीवन कौशल की शिक्षा दी जाती है। आगे है भावना प्रबंधन, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, सहानुभूति, अंतर व्यक्तिक संबंध, स्व जागरूकता, संवाद कौशल, समालोचनात्मक चिंतन, रचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान। अब इन सब के बारे में एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और समझते चलेंगे कि इनमें जीवन कौशल का क्या रोल है ना, इस सब के पीछे जीवन कौशल का क्या रोल है। तो हमारा टॉपिक है WHO के अनुसार 10 प्रमुख जीवन कौशल कौन कौन से है। पहला है दोस्तों आत्म जागृति, यानी अपने बारे में जानना, कैसे अपने बारे में क्या क्या चीज़ें जानना, जैसे अपने कर्तव्यों के बारे में कि मेरा जन्म हुआ है तो मुझे कौन कौन से कार्य है, मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या भूमिकाएं हैं, कौन सा मेरा लक्ष्य है जो मुझे पाना है ना, मुझे अपने भविष्य में क्या चीज़ अचीव करनी है, क्या गोल मेरा है ना, आगे आने वाले दिनों में मुझे कौन सा एग्ज़ाम निकालना है। अगर यही नहीं पता है कि आगे करना क्या है, तो फिर तो भाई दिक्कत ही दिक्कत है, यानी आप आपके अंदर आत्म जागृति की कमी है। अगर आपको नहीं पता है कि आपके क्या कर्तव्य है, फ्यूचर में आप क्या करने वाले हैं, है ना, क्या चाहते हैं आप अपने जीवन से, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, ये सभी क्या है, अगर आप इन सब प्रश्नों के उत्तर जानते हैं, तो यानी आप आत्म जागृत है, अपने बारे में सब कुछ जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि अपने कर्तव्यों, भूमिकाओं, जिम्मेदारियों, आश्रितों आदि के प्रति बिना किसी के बताए, है ना, बिना किसी के बताए स्वयं जागरूक होना ही आत्म जागृति है, ठीक है। यानी कोई और आपको नहीं बताएगा कि आपकी क्या भूमिका है ना, आपका क्या गोल होना चाहिए, कोई और नहीं बताएगा, ये आपको तय करना है। तो ये हो गया आत्म जागृति। ये कब कर पाएंगे आप, जीवन जीने के कौशल जब आपके अंदर आएंगे, है ना। इसके अलावा प्रभावी संवाद, ये भी जीवन का कौशल है प्रभावी संवाद। इसके लिए, प्रभावी संवाद के लिए सही व्यक्ति, सही समय और सही माध्यम, सही संदेश तथा सही तरीका सबसे अधिक जरूरी होता है। अगर कोई व्यक्ति
यह नहीं जानता है कि किसके सामने कैसे बात करनी है ना, किस तरह से बात करनी है, बड़ों के साथ तू तड़ाक से अगर बात कर रहा है तो यानी उसका प्रभावी संवाद नहीं है, वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। तो अच्छे से कम्युनिकेट करना भी एक जीवन का कौशल होता है जो कि सबको आना चाहिए, ठीक। तो ये दूसरा जीवन कौशल जिसके बारे में WHO ने बताया। आगे चलेंगे दोस्तों, आगे आ जाता है आपका तीसरा प्रमुख कौशल या मुख्य कौशल जिसका नाम है समस्या समाधान। समस्या समाधान कैसे करते हैं उसकी प्रक्रिया भी होती है, कैसी कैसे कौन कौन से स्टेप्स आप फॉलो करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसकी क्या होती है, एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है। कैसे सबसे पहले आपके सामने कोई समस्या आएगी तो समस्या आने के बाद आपको उसकी क्या करनी है, पूरी जानकारी इकट्ठा करनी है। तो सबसे पहला स्टेप यही होगा कि आपको समस्या की पूरी जानकारी हो, क्या रीजन रहा कि मेरे सामने ये प्रॉब्लम आई है ना, कैसे मैं इसे दूर कर सकता हूँ ये बाद की बात है, लेकिन पहले क्यों ये समस्या क्रिएट हुई, क्यों ये प्रॉब्लम आई, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको लेना, समस्या क्या है, क्यों क्रिएट हुई। तो सबसे पहला स्टेप आपका होगा क्या, समस्या के बारे में पूरी जानकारी लेना। इसके बाद जब आपको पूरी जानकारी हो जाएगी समस्या समस्या क्या है, क्यों उत्पन्न हुई, इसके बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, समस्या समाधान के लिए मौजूद विकल्पों का क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। इसका मतलब ये है कि हमें जो हमारे सामने प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन के कई सारे रास्ते देखने हैं या कई सारे हमें ऑप्शंस देखने हैं कि किन किन तरीकों से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, आंकड़े इकट्ठा करेंगे, आंकड़े इकट्ठा करेंगे कि भाई अगर हम ये वाला ऑप्शन अपनाते हैं तो ऐसे ऐसे आगे की सिचुएशन हो सकती है, अगर ये वाला ऑप्शन अपनाएंगे तो उसका रिजल्ट ये होगा। इस तरीके से हम सभी विकल्पों के बारे में एक बार ओवरव्यू ले लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे हम, ओवरव्यू लेने के बाद जो हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, सबसे बढ़िया विकल्प होगा उस समस्या के समाधान का, हम उस एक विकल्प का, उन मौजूद विकल्पों में से उस एक विकल्प का क्या कर लेंगे, चयन कर लेंगे, उसको चूज कर लेंगे कि इसका मतलब हमें इस तरह से ये प्रॉब्लम सोल्व करनी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक विकल्प चुना और उसको लागू कर दिया यानी उसका क्रियान्वयन कर दिया, और उसके बाद में हमें क्या मिलेगा, निष्कर्ष मिलेगा हमारी, या तो वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी या फिर नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो हम फिर से इस प्रोसेस को दोहराएंगे और यही स्टेप्स फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये एक क्या है, प्रक्रिया है समस्या को समाधान करने की। कई बार आपके एग्जाम में ये प्रक्रिया भी पूछ ली जाती है, इनमें से कोई एक बीच में से मिस करके पूछ सकता है कि यहाँ कौन सा आना चाहिए, आपको चार ऑप्शन मिलेंगे है ना, कुछ भी इसमें से प्रश्न बन सकता है, अच्छा आपका ये टॉपिक भी है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थर्ड पॉइंट आपने देख लिया प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसके बाद चौथा है निर्णय क्षमता यानी डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग कैसे निर्णय लेना है ना, अपना निर्णय स्वयं लेना है, इसके अलावा सही निर्णय हो है ना, गलत डिसीजन ना ले, जल्दबाजी में ना ले, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए क्या करना है आपको, निर्णय लेना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि बात बात पे आप किसी और व्यक्ति से पूछने जाते हो कि क्या ये मेरे लिए सही है, मुझे ये करना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, खुद से डिसीजन मेकिंग की आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, ये भी एक लाइफ का स्किल है, ठीक है। तो ये हो गया आपका चौथा लाइफ स्किल जो कि WHO ने यहाँ पर इनको बताया है। पांचवा क्या है, सृजनशील सोच, ठीक है, सृजनशील सोच यानी इसका मतलब क्या है आपका, क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग मतलब लीक से हटकर सोचना, अगर सारी भीड़ एक ही तरह से काम कर रही है, आप उससे थोड़ा नए तरीके से या किसी अलग ढंग से प्रस्तुत करें आप उसी चीज़ को, तो वो क्या होगा, वो आपने वहाँ पर अपनी क्रिएटिव थिंकिंग का अपनी यूज़ किया, नए तरीके को अप्लाई किया, उसी को हम क्या कहते हैं, सृजनात्मकता कहते हैं, ठीक है। या हम इसको कह सकते हैं कोई नई शिक्षण सामग्री को आप प्रयोग में ले आएंगे, अगर आप टीचर होंगे तो वो भी तो सृजनशील सोच है आपकी, अध्यापक होते हुए आप नई नई तरीकों को खोजते हैं जिससे बच्चे को ज्यादा अच्छे से समझ में आए, ठीक है। और क्या हो सकता है, पाठ्यक्रम में जरूरत के अनुसार आप कुछ नया बदलाव कर सकते हैं है ना, जीवन जीने के नए तरीके को ढूंढ सकते हैं,
इसके अलावा शिक्षा में भी नई नई चीजों को उसमें ला सकते हैं शिक्षा में, जिससे बच्चों के लिए वो रोचक बने, है ना, बच्चों का ध्यान केंद्रित हो। तो ये सब किसका है, कैसे कर पाएंगे आप, अगर आप सृजनशील सोच सकते हैं तब। तो ये भी एक जीवन जीने का कौशल है। इसके बाद हम बात करेंगे छठे कौशल के बारे में, जिसका नाम है समानुभूति। क्या है समानुभूति? समानुभूति क्या होता है दोस्तों? एम्पैथी। इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, यहाँ लिख देती हूँ मैं, कई बार बच्चे कोशिश करते हैं कि उसका इंग्लिश मीनिंग भी पता चले, तो इसको हम एम्पैथी कहते हैं। इसको क्रिएटिव थिंकिंग कहेंगे, इसको डिसीजन मेकिंग आसान ही है, ज़रूरत नहीं है लिखने की, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। तो चलो बात करते हैं समानुभूति की। क्या होता है एम्पैथी? इसका मतलब ये है दोस्तों कि अपने आप को किसी दूसरे की सिचुएशन में रखकर उस सिचुएशन के बारे में उसको फेस करना या उसके बारे में सोचना कि अगर इसकी जगह मैं होता तो कैसा फील होता, है ना, वो वाली, यानी दूसरों की परेशानियों को आप समझेंगे, उसको फील करेंगे, उसके दर्द को, उसके दुख को, उसकी खुशी को, उसे हम क्या कहेंगे, समानुभूति कहेंगे। ठीक है, समानुभूति को अगर आप विच्छेद भी करेंगे तो समान अनुभूति, यानी किसी अन्य व्यक्ति के समान ही आप अनुभूति कर रहे हैं, फील कर रहे हैं जैसा कि उसको फील हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि आपस में दो दोस्त है, बातचीत कर रहे हैं, कोई अपने दुख दर्द के बारे में बता रहा है, तो दूसरा कहेगा तो कि हाँ भाई मैं तेरी परेशानी समझ सकता हूँ, है ना। तो कब कब समझ सकता है, अगर वो समानुभूति करेगा, ठीक है, उसकी जगह पर खुद को रख करके सोचेगा। लेकिन वैसे कहने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा करने वाले बहुत कम होते हैं जो सच में उस दर्द को समझते हैं, बाकी तो हंसी में उड़ा देते हैं। तो ऐसा होना चाहिए व्यक्ति को, ये जीवन का कौशल आना चाहिए, दूसरों की परेशानियों को समझे। ठीक, आगे चलते हैं। सातवां क्या, कौन सा जीवन कौशल बताया WHO ने, ये है अंतर्वैयक्तिक संबंध। क्या नाम है? अंतर्वैयक्तिक संबंध। इसको क्या कहेंगे हम इंग्लिश में, ये भी लिख लीजिए जिससे आपको परेशानी ना हो। तो इसको हम इंटरपर्सनल संबंध को क्या कहेंगे, रिलेशनशिप। ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या होता है, सबको समान भाव से देखना। इस समता से लोगों के साथ सकारात्मक रूप से जुड़ने में मदद मिलती है, या फिर हम इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं दोस्तों कि दूसरे व्यक्तियों के साथ अच्छे संबंध बनाना। ठीक है, सभी को समान भावना से देखना है, सभी को समान भाव से देखना, जात पात धर्म जाति इन सब से अलग एक एज ए ह्यूमन बींग उन सबको ट्रीट करना और सकारात्मक रूप से उनसे जुड़े रहना, ये सब क्या है, ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है। अगला चलते हैं, ये भी जीवन कौशल है। आठवां जीवन कौशल WHO ने क्या बताया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बताया, यह है आलोचनात्मक सोच। आलोचनात्मक सोच, इसको हम अगर इंग्लिश में बताएं कि क्या बोलेंगे, तो इसको क्रिटिकल थिंकिंग बोलेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, ये क्या होता है आलोचनात्मक सोच का मतलब दोस्तों ये है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में आप उसके दोनों पहलू देखें। दोनों पहलू से मतलब उसके गुण भी, उसके दोष भी। ऐसा ना हो कि आप बायस्ड हो जाए, केवल उसके दोष देखें किसी व्यक्ति के, आपको उसके गुण और दोष दोनों को देखना है। ठीक है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति वस्तु के बारे में, आप उसके गुण और दोष दोनों के बारे में आप उस पर विचार कर पाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका आठवां लाइफ स्किल। आगे बढ़ेंगे, नौवां क्या है, संवेगों का प्रबंधन। क्या है? संवेगों का प्रबंधन, यानी आपके इमोशंस को मैनेज करना, या अगर इसको हम लिखना चाहें इंग्लिश में तो हम लिखेंगे मैनेजिंग इमोशंस। ठीक है, भावनाओं को प्रबंधन करना, या संवेगों का प्रबंधन करना, मतलब अपनी और दूसरों की संवेदनाओं को समझना सबसे पहले तो, तथा निर्णय लेते समय वास्तविकतावादी रहे, भावुक ना हो। आप अध्यापक है या किसी और पद पर भी अगर कार्यरत है, तो वहां पर आप सामने वाले की बातों को सुनकर भावुक होकर डिसीजन नहीं लेंगे। कई बार आप लोग देखते हैं कि कोई रियलिटी प्रोग्राम होता है, जैसे लिटिल चैंप्स या डांस इंडिया डांस, कुछ ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, है ना, उसमें कोई किसी ने अपनी स्टोरी बताई तो जजेस क्या हो गए, भावुक हो गए और डिसीजन ले लिया, है ना। तो ऐसे में
डिसीजन नहीं लेना है भावुक होकर, कभी भी आपको बाइस्ड होकर डिसीजन नहीं लेना है, बल्कि वास्तविकता को देखते हुए आपको सही निर्णय लेना है अपनी संवेदनाओं को कंट्रोल करते हुए। ठीक है, तो ये होगा आपका यहाँ पर नौवां जीवन कौशल। इसके आगे हम बढ़ेंगे दोस्तों, दसवां है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मज़ेदार भी है, वह है तनाव प्रबंधन। भैया हर एक किसी व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी तनाव का सामना करना पड़ता है, किसी भी व्यक्ति या वस्तु को लेकर के आपके मन में हो सकता है। आपको कार चाहिए, आपको अभी नहीं मिल रही है, आपके पास उतना बैंक बैलेंस नहीं है, या अगर है तो आप उसको खर्च नहीं सकते हैं, आपको फ्यूचर के बारे में भी उसको सेव करके रखना है, या फिर आप किसी व्यक्ति को पाना चाहते हैं लेकिन वो नहीं आपको मिल रहा है। तो किसी ना किसी भी जीवन के पड़ाव में तनाव एक ऐसी चीज़ है, कभी ना कभी इसका सामना हो ही जाता है ना। तो इससे छुटकारा कैसे पाया जाए, इस तनाव को कैसे प्रबंधित करना है, या फिर अगर बात करें स्ट्रेस को कैसे कम किया जा सके, ये भी आपको आना चाहिए कि अगर जीवन में कोई परेशानी है उसको लेकर के आपके जीवन में तनाव है तो कैसे कम करें। उसके लिए आप अनेक तरीके को अपना सकते हैं, जैसे क्या क्या तरीके हो सकते हैं वो, योगा करना, संगीत सुनना, या आप कह सकते हैं क्रिएट करना, है ना। इसके अलावा मनोरंजन भरी कुछ चीज़ों को देखना, मूवी देखना, मनोरंजन भरी कॉमेडी वाली मूवी देखना, कॉमेडी शो देख लेना, जिससे क्या होगा आपका तनाव जो है वो कम हो जाएगा। बाहर लोगों के साथ बैठना, ठीक है, जो अच्छी अच्छी बातें करते हो, नेगेटिव नहीं, जो अच्छी बातें करे, पॉजिटिव बातें करे, है ना। और सबसे अच्छी चीज़ तो योगा करना है ही। तो ये सारे इन सभी एक्टिविटीज़ को करके आप क्या कर सकते हैं, तनाव का प्रबंधन कर सकते हैं, ये भी आपको आना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी व्यक्ति को लेकर के अगर आपके जीवन में तनाव है तो आप उसमें डूबे जा रहे हैं, और तो और फिर ऊपर से सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, तो ऐसा नहीं आपको करना है, ठीक है। तो ये आपको उससे क्या करना है, छुटकारा पाना है, ना कि उसके अंदर और ज़्यादा अपने आप को लीन करना है। तो ये सारे तो हो गए 10 प्रमुख जीवन कौशल WHO ने जो बताए। अब हम, क्योंकि हमारा पहला टॉपिक कवर हो चुका है, जीवन कौशल के बारे में हमने अच्छे से जान लिया, उसकी विशेषताएं सारी चीज़ें हमने कवर कर ली, ठीक। अब हम देखेंगे दोस्तों इसी टॉपिक से कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की जिनकी उम्मीद रहती है, उनको हम थोड़ा सा देख लेंगे, जो इस टॉपिक में कवर नहीं हो पाया वो सब कुछ चीज़ें, ठीक, और जो हो गया वो भी। तो थोड़े से ही वन लाइनर क्वेश्चन, इनको भी साथ साथ हम लोग देखते हुए चलेंगे। पहला क्या है, भावनात्मक समझ को किस प्रकार विकसित किया जा सकता है। आप अपनी भावनात्मक समझ को विकसित करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, है ना, अभ्यास से करेंगे। भावनात्मक, या आप कह लीजिए आपने इमोशंस को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं, यहाँ तो समझ की बात हो रही है, लेकिन अगर आप इमोशंस को कंट्रोल करने की भी बात करेंगे, एक बार में थोड़े ही ना जाएंगे, आप धीरे धीरे प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे कंट्रोल करने का, तो बिल्कुल आपके अंदर वो गुण विकसित हो जाएगा, कर पाएंगे आप। तो कैसे कर पाएंगे, अभ्यास या प्रयास के द्वारा। दूसरा है, बच्चों पर वर्तमान शिक्षा पद्धति का सकारात्मक प्रभाव क्या है। तो इसका सकारात्मक प्रभाव है, कुशल एवं बुद्धिमान हो गए हैं बच्चे, क्योंकि नए नए तरीकों से जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है उसमें क्या बच्चों के ऊपर बर्डन नहीं थोपा जाता, बच्चे को क्रिएटिव तरीकों से सिखाया जाता है, इसी पर जोर देती है नई शिक्षा पद्धति भी, है ना। तो उससे क्या हो रहा है, बच्चे कुशल और बुद्धिमान हो रहे हैं, चीज़ों को समझ कर पढ़ रहे हैं, ना कि रट कर। तो ये इसका एक प्रभाव है, ठीक है। आपको यहाँ चार ऑप्शन मिल सकते हैं, तो उनमें से एक चुनाव करना है आपको। आगे चलते हैं, तीसरा क्या है, व्यक्ति द्वारा उचित निर्णय लेने एवं भावनाओं में संतुलन स्थापित करने की कला को क्या कहते हैं। तो इसी के बारे में हम कल की क्लास से अब तक सीख रहे हैं कि अगर व्यक्ति सही समय पर सही डिसीजन ले ले और अपनी भावनाओं को भी संतुलित रखते हुए, उनको भी बैलेंस्ड रखते हुए, जो वास्तविकता है उसको ध्यान में रखते हुए अगर उचित निर्णय लेता है, तो इसका मतलब उसके जीवन कौशल, उसकी जो कला है, वो जीवन जीने की कला है, यानी जीवन कौशल जो है वो बहुत अधिक विकसित है, है ना, या उसको जीवन जीने की कला आती है, उसको जीवन कौशल आते हैं, ये हम इसको कह सकते हैं। आगे चलेंगे, आत्म जागरूकता के तत्व क्या होंगे, आत्म जागरूकता के क्या तत्व होंगे, यानी सेल्फ अवेयरनेस के कौन कौन से तत्व हो सकते हैं। भाई अभी तो थोड़ी देर पहले बताया था कि इसमें क्या होता है, स्वयं के बारे में जानता है व्यक्ति,
तनाव और परेशानियां जो भी उसकी होती हैं उनके बारे में जानेगा, समझेगा, फिर उनको दूर करेगा, अपने संबंधों को मजबूत करेगा, है ना। इसके अलावा अच्छा संवाद स्थापित करेगा। तो ये आत्म जागरूकता के तत्व आप इनको कह सकते हैं। आगे चले दोस्तों, निर्णय लेते वक्त किस मनोस्थिति से दूर रहना चाहिए। तो अगर आप कोई निर्णय ले रहे हैं तो आपको भावुकता से क्या करना चाहिए, दूरी बनानी चाहिए। आपको भावुक होकर कोई भी निर्णय नहीं लेना है, ठीक है। आगे चलते हैं, छठा क्या है, जीवन कौशल शिक्षा का संचालन कौन करता है या किसके द्वारा किया जाता है, कौन से मंत्रालय के द्वारा किया जाता है जीवन कौशल शिक्षा का संचालन। तो ये अल्पसंख्यक कार्यों का मंत्रालय होता है, उसके द्वारा इसका संचालन किया जाता है। अगला क्या है, जीवन कौशल शिक्षा से संबंधित जो कार्य होते हैं, है ना, कार्यों का संचालन कौन सा संस्थान करेगा। तो ये संस्थान कौन सा है, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान। सिद्धांत नहीं, ये संस्थान होगा, ठीक है, इसको आप संस्थान कर लीजिए, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान। ये क्या करेगा, जीवन कौशल शिक्षा से संबंधित जितने भी कार्य है उनका संचालन करेगा। तो ये हुआ दोस्तों आज का हमारा टॉपिक। इसी के साथ जीवन कौशल से संबंधित हमने जो भी महत्वपूर्ण बातें थी वो हमने सीख ली है। अब इसी सब्जेक्ट के हम नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत करेंगे, जिसमें हमने व्यावसायिक शिक्षण के बारे में या व्यावसायिक नीति एवं आचरण, ये इस तरीके से करके आपका एक नेक्स्ट टॉपिक होगा, उसकी शुरुआत हम कल करेंगे। इसके लिए दोस्तों आपको फटाफट से, अगर पसंद आई है क्लास, समझ आई है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना आपको नहीं भूलना है। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट को आपको पूरा कराया जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना आपको नहीं भूलना है, ताकि मैं मोटिवेट रहूं और आपके लिए रेगुलर वर्क करती रहूं। सो थैंक यू सो मच गाइज, आपसे फिर मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।